हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे साउथ की दिशाओं में लगाई जाने वाली तस्वीरों के बारे में। आपका ऑफिस हो या फिर घर, आप कोई भी पेंटिंग्स बाजार से खरीद कर लाते हैं जो आपको अच्छी लगती है और वो तस्वीर या पेंटिंग अपने घर या ऑफिस की दीवार पर लगाकर खुश हो जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं दीवार पर टंगी ये पेंटिंग्स और तस्वीरों का हमारे घर पर या फिर कार्यस्थल पर किसी न किसी तरह का प्रभाव जरूर पड़ता है। सजावट के लिए आप घर की दीवारों को बिना सोचे समझे पेंटिंग्स और तस्वीरों से सजा देते हैं, पर वही पेंटिंग्स और तस्वीरें आपके दुर्भाग्य का कारण भी बन सकती हैं। वास्तु के अनुसार हर पेंटिंग का हमारे घर, परिवार और कार्यस्थल पर नेगेटिव या पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि किस दिशा में कौन सी तस्वीर लगानी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे साउथ से जुड़ी दिशाएं, साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के बारे में कि यहाँ कौन सी पेंटिंग लगानी चाहिए और उसका हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा के बारे में। जिन लोगों को बिजनेस में या अपने कैरियर में ग्रोथ या फिर सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो वो लोग अपने घर में या फिर ऑफिस में ऊंची बिल्डिंग की तस्वीर साउथ की वॉल पे लगाएं। ऐसी पेंटिंग लगाने से आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी, रुके हुए कार्य बनने लगेंगे, हर काम में तरक्की मिलेगी। आप साउथ डायरेक्शन में ही अपने घर या ऑफिस में रनिंग हॉर्सेस यानी दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाएं, जो सफ़ेद रंग के होने चाहिए। ये ऑड नंबर में होने चाहिए, जैसे 5 या 7। इनके पैर कटे हुए नहीं होने चाहिए। घोड़े पानी में दौड़ते हुए भी नहीं होने चाहिए, ये मैदान में दौड़ते हुए सीक्वेंस में होने चाहिए। ये पेंटिंग लगाने से आपकी लाइफ में सक्सेस, पीस और तरक्की मिलती है और आपका मन पॉजिटिविटी से भरा रहता है। अब हम बात करेंगे साउथ से ही जुड़ी दिशा साउथ वेस्ट के बारे में। साउथ वेस्ट में माउंटेन यानी पहाड़ की तस्वीर लगानी चाहिए। ये माउंटेन 3 पिरामिडिकल शेप में होने चाहिए। आपके जो भी काम रुके हुए हैं वो बनने लगेंगे, शादी संबंधित रुकावटें भी दूर होने लगेंगी। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, माउंटेन के आसपास पानी नहीं होना चाहिए और ये माउंटेन नुकीले नहीं होने चाहिए। साउथ वेस्ट में ही आपको अपनी कपल पिक्चर लगानी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से जो भी पॉजिटिव एनर्जी आती है वो सीधे आपके कपल पिक्चर पर पड़ेगी, जिससे आपका रिलेशन और भी मजबूत होगा। रिलेशनशिप से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। आप अपनी कपल पिक्चर बेडरूम या घर के किसी भी साउथ वेस्ट के कोने में भी लगा सकते हैं। आपके रिलेशन संबंधित सारी समस्याएँ दूर होंगी। आप साउथ वेस्ट या फिर घर के बेडरूम में राधा कृष्ण की तस्वीर लगाएं, इससे आपके रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। जो स्टूडेंट हैं, अपने कैरियर की तैयारी कर रहे हैं, वो घर के साउथ वेस्ट की वॉल पर ऐसे लोगों की तस्वीर लगाएं जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई ना कोई मुकाम हासिल किया हो, जैसे APJ अब्दुल कलाम, CV रमन आदि की तस्वीरें आप लगा सकते हैं। आप उनकी तस्वीरें भी लगा सकते हैं जिन्हें आप अपने कैरियर के रूप में आइडल मानते हों। आप साउथ या साउथ वेस्ट की वॉल पर अपनी खुद की हंसती हुई तस्वीर भी लगा सकते हैं, इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और खुशी बनी रहेगी। साउथ से जुड़ी हुई एक और दिशा है साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण की दिशा। यहाँ पर आप सिर्फ रेड कलर की पेंटिंग ही लगा सकते हैं या फिर हंसती हुई कुछ महिलाओं की तस्वीर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।